कोरोना काल के लॉकडाउन जब खत्म हुए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको चिंता हो रही थी कि हमारा बिजनेस रिवाइव होगा कि नहीं, काम चलेगा कि नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको चिंता हो रही थी कि सरकार कहीं फ्री राशन वाली स्कीम बंद ना कर दे। और उन्हीं में से कुछ लोग उठ के अब इंस्टाग्राम पे अमीर बनने के, स्टार्टअप शुरू करने के आइडियाज बांट रहे हैं लोगों को। जिसके पास चूतड़ के सिवा दूसरा बर्तन नहीं है वो आदमी लोगों को अमीर बनने के आइडियाज बांट रहा है। पैसा कमाओ झांट भर, बातें चौदू रात भर, ऐसे कितने ही एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे इस समय फ्लोट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे ऐसे लोगों से। सिचुएशन बेसिक ऐसी चल रही हो कि एक ही पजामा कुर्ता पूरा परिवार बदल बदल के पहन रहा। लेकिन इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बड़ी बड़ी बातें, ऐसे स्टार्टअप कर दो, वैसे स्टार्टअप कर दो। मैं एक दिन कहीं से गुजर रहा था, वहां दीवार पे बड़ा बड़ा कुछ लिखा हुआ था, इंस्टाग्राम के एडवाइजर्स की बातें मान के बिजनेस करने वालों से बड़ा चूतिया कोई हो नहीं सकता। भाई कुछ भी आइडियाज दे रहे हैं लोग। एक ही बंदा भाई अमन चावला करके, अगर तुम इसके स्टार्टअप आइडियाज सुन लोगे ना भाई, तो स्टार्टअप नाम के शब्द से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसपे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। भाई आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। पर ढोल बजाने के लिए भरोसे वाला दोस्त ढूंढना पड़ेगा। इतना बड़ा व्यापार दोस्तों के साथ कौन करता है? इसके लिए मैं पहले बच्चा पैदा करूंगा और उसकी माँ को जब वो प्रेग्नेंट होगी ना तभी ढोल बजाना सिखा दूंगा, ताकि उस बच्चे को भी आ जाए। फिर वो जब बड़ा हो जाएगा तो उससे करवाऊंगा ना भाई। इतना बड़ा बिजनेस, ट्रस्ट वाला दोस्त ढूंढे, ये ढूंढे, वो ढूंढे, भाई ढोल बजवा रहा है तू। और ढोल ऐसे ही मतलब ढोल गले में डाल लिया और बजाना शुरू कर दिया, ऐसे होता है क्या? भाई आपको एक शादी में ढोल बजाने के 2100 रुपए तो मिलेंगे, ये बुकिंग अमाउंट है। ये कोई नियम थोड़ी है कि ढोल बजाने के 2100 रुपए मिलेंगे। भारत के संविधान में थोड़ी लिखा है, हो सकता है कहीं जूते चप्पल मिल जाए। कभी कभी ढोल बजाने वालों को लोग बजा के भेज देते हैं, उसके बारे में ये नहीं बताएगा। इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत है, लोग जो भी पैसा उड़ाए आपको सारे लूट लेने। और भाई जब भी लोग पैसा उड़ाना बंद कर दे तो आपको क्या करना है, आपको हाथ लेके ऐसे ऐसे कर देना है। तो वो लोग समझ जाएंगे जब तक हम इसको पैसा नहीं देंगे तब तक ये ढोल नहीं बजाएगा। तो भाई वो समझ जाएंगे, उसके बाद गांड तोड़ेंगे वहां पे, ठीक है। मुझे पता है ऐसे इवेंट्स पे कितने लोग होते हैं, 10 लोगों ने एक साथ थप्पड़ मार दिया ना भाई, कई दिन के लिए हॉस्पिटल की बुकिंग हो जाएगी। क्या बकचोदी कर रहा है? अगलों के घर में पार्टी चल रही है, तू ढोल बजाना बंद करवा दे, जूते पड़वाएगा वहां। तुम सोचो यार, तुम भी स्कूल में गए हो, कभी कई बार होता है स्कूल में कि टीचर पूछ लेते हैं बच्चे खड़े होकर बताओ क्या बनना चाहते हैं। भाई हर बच्चा क्या बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। कभी किसी के मुंह से सुना है कि मैं शादियों में जाकर ढोल बजाना चाहता हूं, या फिर मैं ट्रेन में चढ़ के नमकीन बेचना चाहता हूं है, या मैं खीरे का ठेला लगाना चाहता हूँ? ये आदमी मजबूरी के धंधे एस्पिरेशन बता के बेच रहा है, इससे ज्यादा डाउनफॉल क्या आएगा भाई? इंटरनेट का काल ये विनाश की ओर लेकर जा रहा हमें। भाई इस स्टार्टअप में लगेगी सिर्फ आपको एक स्टील वाली बाल्टी, आपको बेचनी है दाल वाली नमकीन, वो भी ट्रेन में। तो अच्छा मतलब तो माँ बाप आजकल जो बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भेज रहे हैं, इतना लाखों में खर्चा कर रहे हैं, वो इस दिन के लिए कर रहे हैं कि एक दिन उनका बच्चा गले में बाल्टी डाल के ट्रेन में चढ़ जाए और नमकीन बेचना शुरू कर दे। तू क्या कर रहा भाई, लोगों के ख्वाबों पे क्यों उतरा है? एक प्लेट बेचनी है 15 रुपए की, तो 200 प्लेट आपने बेची 3000 रुपए की, माइनस करते हैं 1300 रुपए, दिन के कमाए आपने 1700 रुपए, आपका महीने का पैकेज बैठा 51,000 रुपए का, और आपने साल में कमाई 6,12,000 रुपए। भाई ये कहां की बातें चल रहा है? मोदी जी चीख चीख के कह रहे हैं कि हम 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देते हैं, पहले 80 थे 81 हो गए हैं। वो ऐसे ही लोग हैं भाई ये ट्रेन में चढ़ के नमकीन बेचने वाले, अगर वो 6,12,000 रुपए साल के कमा रहे थे तो भाई फिर मतलब मैं ठीक है भाई, तू जो क्रिएट कर रहा है कर ले, लेकिन कैसे भ्रम पैदा कर रहा है तू, कैलकुलेशन डाल डाल के उसके अंदर। अगर ये नमकीन बेचने वालों की कोई यूनियन हुई ना भाई, तो तेरी सुपारी दे देंगे वो लोग, बंद कर दे। आपको कॉलेज खत्म होने या जॉब खत्म होने के बाद एक खरीदना है झूला, और डेली 6 से 8 बजे तक बच्चों को झुलाने हैं झूले। आप 2 घंटे में 50 बच्चों को झूला झुलाओगे और एक बच्चे से पैसा चार्ज करोगे 20 रुपए, तो इस हिसाब से 50 × 20 = 1000 रुपए। बच्चे कहीं ऐसे कहीं भी खड़े होते हैं कि आओ उठाओ झूले पे चढ़ा दो, ऐसे बच्चों को मैं झूले झुलाने का व्यापार करूंगा ना भाई, तो कोई मुझे झुला देगा? ये बिजनेस वो ही कर सकता है जो बच्चों से प्यार करता है। भाई आपको छेदने हैं बच्चों के नाक और कान, और भाई आपको 1 कान छेदने के 100 रुपए मिलेंगे, 2 कान छेदने के 200 रुपए। ये आदमी बच्चों से नफरत करता है क्या? बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है, कभी बच्चों को झूले पे चढ़ा दो, कभी बच्चों को कान छेद दो, कोई तुम्हारी गांड का छेद बंद कर देगा। तुम उठो एक दिन जाके लोगों के कान छेदना शुरू कर दो, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भाई एक कचौड़ी के स्टार्टअप पे कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है? सबसे पहले लेनी है आपको एक रेडी। लोग यहाँ बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, कोई सोच रहा है कि मैं ऑडी लूंगा, कोई सोच रहा है BMW लूंगा, तू उनको बोल रहा है रेडी ले लो, तो क्यों लोगों को डिमोटिवेट कर रहा है? और इस आदमी के हिसाब से ना हर ये छोटे मोटे काम, कोई झूले झुलाने के, रेडी के, कचौड़ी बेचने के, इन सब कामों से लाखों रुपया बन रहा है। फिर वो जो लोग इतने सालों से कचौड़ियां बेच रहे हैं वो बेचारे गरीब क्यों हैं? भाई अगर मुकेश अंबानी एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक है ना, तो उसको अब चाहिए कि अब इंटरनेट महंगा कर दे, ऐसे चूतियों ने फ्री इंटरनेट की गांड मार के रख दी है। इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैला रखा है, इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैला रखा है। भाई ये बिजनेस करने के बाद आपकी इसी महीने गाड़ी आ जाएगी, उसके लिए लगेगी आपको एक रोटी, आपको रोटी लेके भैंस को खिलानी है और बदले में लेना है उसका गोबर, और उस गोबर से बनाने हैं उपले। आप 1 किलो गोबर में 5 उपले बनाओगे तो आपको दिन का 100 किलो गोबर इकट्ठा करना है और 500 उपले बनाने, और एक उपला जो है वो 2 रुपए का बिकता है, तो इस हिसाब से आपने 500 उपले 2 रुपए के हिसाब से बेचे, दिन का कमाया आपने 1000 रुपए।
भोसड़ी के भैंस भी तो होगी ना किसी। मैं अगर आंख बंद करके बोलूं भैंस आ जा तो क्या भैंस आ जाएगी? कुछ भी भैंस चुद कुछ भी बोल रहा है, बस पीछे म्यूजिक डाल दिया। वो स्कैम वाली सीरीज इतनी ज्यादा हिट हो गई कि उसका म्यूजिक सुन के लोगों को लगता है कि ये रील देखने से पैसा बन जाए। चल रोटी तो तू सेक लेगा लेकिन भैंस कहां से आएगी? तू ऐसे ही किसी की भैंस को रोटी कैसे खिला देगा? वो तेरे चूतड़ निराल कर देगा। तू ऐसी किसी की भैंस को रोटी खिलाएगा? और मान लिया उसने तेरे को भैंस को रोटी खिलाने भी दी, उपला 7 रुपए खाता है, पता भी है कुछ? ये हुक्के वालों ने उपले के रेट बढ़ा दिए। कहां तू बकचोदी में पड़ा है? ऐसे रोटी खिलाओ, गोबर ले जाओ। और ये कोई प्रोसेसिंग मशीन है वो तू रोटी खाते गोबर कर देगी भैंस? क्या बकचोदी चल रही है भाई? तू कौन सी दुनिया से आ रहा है? तेरे लिए जरूरी है कि तू एक डिस्क्लेमर डाल के तू मुंह से गोबर कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है तू डाल वहां पर डिस्क्लेमर होना चाहिए। ऐसी बकचोदी तू ऐसे फ्री में करे जा रहा है, ऐसा है वैसा है, भैंस को रोटी दे दो रोटी गोबर दे देगी, मजाक हो रहा है भैंस? समय लगता है, तू क्या रोटी खाते ही नीचे? और भाई देख मेरे पास है तेरे लिए अच्छे बिजनेस आइडिया, मैं तुझे बताता हूँ इन सबसे भी अच्छा बिजनेस आइडिया मैं तुझे बताता हूँ। तू अगर मेरी मानेगा ना अमीर पक्का बन जाए। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो गाय भैंसों का गोबर इकट्ठा करके उनसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के किसानों को बेचती है, तो गाय भैंसों को पालने पर भी खर्चा होता, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं जो आइडिया दे रहा हूँ उसमें उस इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तू दिल्ली जा और दिल्ली के जितने सरकारी शौचालय है ना उनका ठेका ले ले, और फिर वहां जो आदमी जाके पोटी करते हैं ना उन सबके लेंडे इकट्ठे करके उसकी फर्टिलाइजर बना के बेचना शुरू कर दे भाई, तू अमीर हो जाएगा। वो कचरे का पहाड़ ना दिल्ली में, वहां जाके गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करना शुरू कर दे, हो सकता है चार पास वो भी तुझे दे दे। और मेरे आइडिया सुनने में बुरे लग सकते हैं लेकिन रियल है, तू बकचोदी कर रहा है। लेकिन मैं एक बात तुमको बताना चाहता हूँ, ये अमन चावला ये सब करने नहीं आया था, ये भी स्टॉक मार्केट पे ज्ञान चोदने आया, लेकिन इसका वो ज्ञान किसी ने सुना नहीं, तो भाई साहब ने फिर ये रास्ता चुना। भाई इन लोगों का कोई नीच नहीं है, कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, कुछ नहीं है, इनको करनी है बकचोदी। इनके पास है स्मार्टफोन और फ्री का इंटरनेट, अब इनको कुछ ना कुछ करना है भाई, इनको बोलना है और बोल के अपलोड करना है, कुछ भी करना भाई। अगर स्टॉक मार्केट पे करने दोगे तो उस पे करेंगे, अगर उस पे नहीं करने दोगे फिर हम स्टार्टअप पे करेंगे, अगर इस पे भी रोक दिया ना भाई तो फिर ये मोए मोए वाली रील बनाएगा, लेकिन इसको करना जरूर है कुछ ना कुछ। तो भाई देख लो।